हाय फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्त आज की इस वीडियो में। दोस्त आज ये मेरे पास में TVS स्पोर्ट बाइक आई हुई है। इसमें दिक्कत क्या है, जब हम बाइक को जो है चलाते हैं और एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ते हैं तो इसमें जो है पटाखा फूट रही है। तो बाइक में जब भी पटाखा फूटने की प्रॉब्लम आती है तो उस समय जो है पटाखे दो टाइप के फूटते हैं बाइक में। एक पटाखा फूटता है जब हम थ्रोटल खींचे और बाइक चल रही है, रनिंग में है, उस समय बीच में जब हम एक्सीलेटर को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो रनिंग में, उस समय जब पटाखे फूटते हैं तो वो करंट का इशू होता है। और दूसरा चीज़, जब हमने थ्रोटल खींचा और वापस बंद किया उस समय पटाखा फूटी, तो उस समय जो पटाखा फूटेगा वो जो हमारा कार्बोरेटर का जो सेटिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता और स्लो जेट में जो है किसी कचरा के माध्यम से जो है स्लो जेट जाम हो जाता है। तो इसलिए जो है उसमें बाइक में जो है दिक्कत आती है पटाखा फूटने की। जैसे कि इस बाइक में दिक्कत है, इसमें जब हम थ्रोटल खींचते हैं और वापस से बंद करते हैं तो उस समय पटाखा इसमें फूट रहा है। तो दोस्त देखते हैं सीधे इसमें, मैं पहले आपको दिखा दूं इसमें दिक्कत क्या है पहले बाइक को स्टार्ट करके। तो यहाँ पर जो है मैं कार्बोरेटर इसका जो है ओपन कर लिया हूँ और इसका सिर्फ मैं स्लो जेट ओपन किया हूँ। तो इसे जो है आपको पतला एक तार से एक्सीलेटर वायर या क्लिच वायर को काट कर जो है इस तरीके से चेक कर लेना है। तो देख पा रहे हैं ये जो है चोक है, ये इसका जो लाइन है वो चोक है। तो इससे हल्का पतला वायर लेना है और इसमें भी देखते हैं तो ये भी जो है चोक है ये। और इस तरीके से आपको काफ़ी टाइम तक के जो है आपको ये क्लीन करते रहना है, जब तक ये तार जो है सामने से इस साइड से उस साइड ना निकले तब तक जो है आपको इस तरीके से क्लीन करते रहना है घुमा घुमा कर। कभी बहुत टाइम लग जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। देख पा रहे हैं ये तार जो है निकल चुका है। ऐसे दो से तीन बार और भी इसे चेक कर लें। इस तरीके से जो है वायर जो है निकलना चाहिए बाहर। और आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे की मदद से जो है ऐसे चेक कर सकते हैं और इसे क्लीन भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है स्प्रे मारोगे आप तो बाहर जाना चाहिए। और मैं ये स्लो जेट जो है अब इस कार्बोरेटर में फिटिंग कर देता हूँ और कार्बोरेटर को जो है बाइक में फिटिंग करेंगे और उसके बाद देखते हैं इसमें जो है जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होती है कि नहीं। कार्बोरेटर का कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है और इसका ये चोक वायर है यहाँ पर भी, तो ऐसे जो है हल्का क्लीन कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कार्बोरेटर इस बाइक में जो फिटिंग कर दिया हूँ और इसका जो प्लग है ये प्लग लोकल प्लग इसमें डला है, पर ये बाइक में जो है यही प्लग चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो ये प्लग मैं चेंज नहीं करूँगा। और दूसरा चीज़ इसमें जो है इस बाइक को अब हम करेंगे स्टार्ट तो की ऑन करना होगा और यहाँ पर इसका इकोनॉमिक लाइट जो है वो जल नहीं रहा है और बैटरी इसमें है नहीं है पर ये लाइट नहीं जल रहा है। देखते हैं इसमें जो है किक लगा कर जो है स्टार्ट करके बाइक जो है, तो यहाँ पर न्यूट्रल लाइट जला पर ये लाइट नहीं जल रहा है, हो सकता है इसका बल्ब फ्यूज हो। तो अब हम ऐसे करेंगे फुल रेस पूरा, तो देख पा रहे हैं तो? तो इस तरीके से जो है सॉर्ट आउट करें दोस्त। इस बाइक में जो है पटाखा फूटने की जो समस्या थी वो सॉर्ट आउट हो गया है, सिर्फ हम कार्बोरेटर इसका क्लीन किए। तो कभी करंट का भी इशू रहता है तो उस समय जो है रेगुलर बाइक जो है पटाखा फोड़ती है जब
करंट का जो इशू रहेगा उस समय जो है करंट मिसिंग होगी, तब वो जो है हमेशा पटाखा फूटता रहेगा। पर जब हम थ्रोटल खींच के जो है इसे बंद करते हैं उस समय पटाखा जो फूटता है वो कार्बोरेटर का होता है। तो इस तरीके से शॉर्ट आउट हो गया इसका प्रॉब्लम जो है, और ये जो है स्टार्ट है, और इस बाइक को हम करते हैं बंद। और एक बार मैं इसका कार ये प्लग स्पार्क प्लग जो है इसमें ये लोकल डाला हुआ है, कोई कंपनी है इसका XXNO करके, तो ये लोकल ही इसमें जो है चल रहा है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ।